कार्यक्रम संपन्न होने पहुंचेगा तब करूंगा कि प्लीज आप लोग पीछे जाकर वहां पर विराजमान। सबसे पहले तो हमारे जितने भी मेहमान यहां पर आए हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। और आज के दिन की शुरुआत, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत देश की ये परंपरा रही है हमेशा की किसी भी कार्य की शुरुआत हम भगवान का वंदन करते हुए, नमन करते हुए या फिर उनके साथ दीप प्रज्वलन की क्रिया को करते हुए करते हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर बड़े ही आदर और सम्मान के साथ क्रिया संपन्न करेंगे। मैं निवेदन करता हूं मंच पर पधारने की माननीय श्रीमान कुणाल सिंह जी को, दिनेश लाल यादव जी को, सुभाष पासी जी को, अभय सिन्हा जी, पंकज तिवारी जी, संतोष सिंह जी, ये सभी संतोष सिंह जी कोच जी आप ज्यादा क्लियरिफाइड हो जाएगा बिकॉज कोच के नाम से अगर कोई भोजपुरी यूनिवर्सिटी में है तो वो संतोष सिंह जी है। ये सभी लोग मंच पर आ जाए। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी मेहमानों से कि दीप प्रज्वलन की क्रिया को संपन्न किया जाए। सभी और मैं आप निवेदन करूंगा सबसे पहले कुणाल जी, उसके बाद दिनेश जी, कृपया करके दीप प्रज्वलन यहां पर किया जाए और कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। अरे यार लाइट का सिरा चालू कर। धन्यवाद सभी मेहमानों। यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया के दोस्तों, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के साथियों, ये बहुत गर्व और खुशी की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का एक अपना लीग शुरू होने जा रहा है। यूं तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की टीम सीसीएल में खेलती है, जहां हिंदुस्तान के तमाम कई फिल्म इंडस्ट्री के टीमों के साथ, और भोजपुरी इंडस्ट्री ने हमेशा अपनी पहचान, अपनी ताकत, अपने विश्वास का झंडा हमेशा आसमान पर बुलंदियों के साथ लहराया है। और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के अपनी लीग का सीजन 2 शुरू होने जा रहा है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन मूर्ति श्री मनोज तिवारी जी, श्री रवि किशन जी और श्री दिनेश लाल यादव जी, इन लोगों की लीडरशिप में, इनके नेतृत्व में शुरू होने जा रहा है। और इसको साथ हमारी इंडस्ट्री के कट नहीं करना, कट नहीं करना है। यस शो बड़ा बोलूंगा तो थोड़ा फिल्मी बात हो जाएगी। हम लोग इस सम्मानीय श्री अभय सिन्हा जी और सुभाष पासी जी, जो विशेष कर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री को सहयोग दिया है, साथ दिया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अपनी पहचान है, एक अपनी ताकत है, और पूरे हिंदुस्तान में हिंदी के करीब की भाषा होने की वजह से यह अपनी पहचान कभी खोता नहीं। इसको किसी सरकार की मदद नहीं मिलती, मगर न जाने इसमें क्या ताकत है कि जब भी गिरता है खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। और इसी एक शेर के साथ भोजपुरी की ताकत दर्शाते हुए मैं आपसे विदा लूंगा कि न जाने क्या बात है उसमें कि हंसती मिट्टी नहीं हमारी, न जाने क्या बात है मुझमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है हरदम दौरे जहां हमारा। थैंक यू, धन्यवाद कुणाल जी। चाहत तो यही है कि सभी सितारों को यहां पर सुना जाए, लेकिन ना हमारे मीडिया कर्मी यहां पर, खास करके भाई आज दशहरा के इस पावन पर्व पे लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ नए काम की शुरुआत जब करते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा दशहरा के दिन इसकी शुरुआत करते हैं। मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के यहाँ पे आए हुए सभी कलाकारों को, खास करके कुणाल जी, हमारा छोटा भाई बच्चों की तरह दिनेश लाल यादव, परवेश लाल यादव, अभय सिन्हा जी, बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे सम्मानित भोजपुरी इंडस्ट्रीज से जो लोग आए हैं, जो आप लोगों ने एक नई पहल शुरू की है, मेरा हमेशा से समर्थन भोजपुरी को है। भोजपुरी को एक उच्च स्तर का दर्जा मिलना चाहिए, जैसे और सब टीमों को और सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सब लोग मिलकर के इस भोजपुरी समाज को, भोजपुरी की जो टीम है, जो एक नई पहचान बना रही है हिंदुस्तान के अंदर, और हम ये देखना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर ये टीम पहुंचे। अभी अभी दिनेश लाल और परवेश से मेरी बात हुई, इन्होंने जो एक मुझे प्रपोजल दिया, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के दुआओं और आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, और एक बहुत बड़ा स्टेडियम, शायद आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में उस स्टेडियम का उद्घाटन शायद नवंबर में होने जा रहा है, और एक अपने तरह का आधुनिक स्टेडियम है जिसमें क्रिकेट के अलावा होटल से लेकर के और भी सुविधाएं वहां पे रखी जा रही हैं। पहले तरह का एक स्टेडियम है कि वहां पे खिलाड़ियों को रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो जिस तरह से परवेश ने मुझसे कहा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार की जो आप लोगों की चार मैच जो होने वाले हैं तीनों टीमों के, मैं उम्मीद और विश्वास दिलाता हूं कि एक बड़े पैमाने पे इसकी शुरुआत करेंगे। उसमें आज भोजपुरी समाज एक अपनी उच्च आकांक्षा के शिखर पे चढ़ रहा है, और जिस तरह से आप लोगों ने भोजपुरी समाज को एक ऊंचाई दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लखनऊ में ये कार्यक्रम हो। और कल ही मैं दशहरा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूं, मैं प्रवेश और दिनेश से प्रपोजल लेकर के जल्द ही जल्द इसका अनाउंस होगा कि लखनऊ में ये कार्यक्रम आप लोगों का चारों मैच का हो, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह समाज को आप लोग आगे लेके चलिए। मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ है। जय हिंद, जय समाज। निवेदन करता हूं अभय सिन्हा जी से कि वो प्लीज अपने दो अनमोल शब्द हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के जो ऑर्गेनाइजर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए, और भोजपुरी इंडस्ट्री के हमने प्रदेश को पहले भी बोला है कि इसका जो भी फाइनल मैच होगा, या तो आप कतर में या तो आप दुबई में करें, इसका जो भी खर्चा होगा या सिर्फ उसका पूरा, पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे सबके लाडले चहेते। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं, आप मीडिया के सभी बंधु और हमारे बड़े भैया सुभाष पासी जी सैदपुर से, हमारे जिले से विधायक हैं, आपका स्वागत करते हैं। अभय भैया, हम लोग इंडस्ट्री के इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं जो भोजपुरी सिनेमा को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और हम लोगों के महानायक जिन्होंने ये भोजपुरी सिनेमा को इतना बड़ा बनाया, कुणाल भैया आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे टीम के कोच संतोष सर, हमारे पंकज भैया, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे भाई प्रवेश लाल यादव और उनके सभी साथी जो कोर कमिटी में हैं। आप लोगों के प्रयास से ही एक अच्छी शुरुआत हुई पिछले साल, और ये और आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमारे भैया सुभाष पासी जी ने बताया कि मैच लखनऊ में बड़े पैमाने में करवाएंगे, और फाइनल मैच के लिए हमारे अभय भैया ने भी कह दिया कि ये हम लोग विदेश में इसको कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये बढ़ता जाएगा। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक साथ आ जाए, आपस में
भाईचारा बढ़ाने का खेल से बढ़िया कोई माध्यम नहीं होता है। बचपन से हम लोग खेलते आए हैं और जब भी हम खेलते हैं लड़ते हैं, पर उसमें जो प्यार बढ़ता है, जो अपनापन बढ़ता है, वो कहीं और नहीं होता। तो इस खेल के माध्यम से ही पूरी इंडस्ट्री एक साथ हो जाए, यही चाहत है और इस चाहत को हमेशा हम कायम रखेंगे और हमेशा प्रयास करेंगे कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आगे भी ये होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी ने सभी लोगों ने मिल के ये कोशिश की कि एक ऐसा कुछ टूर्नामेंट शुरू किया जाए जिससे इंडस्ट्री के सभी लोगों को मौका मिले। आई थिंक सीसीएल में ऐसा भी है कि शायद जो हमारे एक्टर्स होते हैं, जो पर्दे पे हैं, उन्हीं को चांस मिलता है, जो टेक्नीशियन या डायरेक्टर्स हैं उन लोगों को चांस नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रवेश जी ने और काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को शुरू किया है कि भी एक्टर्स यहाँ पर हैं, एक्ट्रेस यहाँ पर मौजूद हैं, नायक लोग मौजूद हैं, सभी प्रोड्यूसर भी मौजूद हैं, लेकिन असली हीरो अगर कोई है हमारे देश के तो वो हमारे नौजवान हैं और उनमें से कुछ नौजवान जो शहीद हो चुके हैं। आइए दो मिनट का मौन व्रत उन सभी नौजवानों के लिए। उनको हारना बिल्कुल पसंद है, तो ये हमारे टीम का कहीं ना कहीं एक साफ मैसेज आप बोल सकते हो किसी और के लिए कि हम लोग हारेंगे तो बिल्कुल नहीं और उस सोच से हम लोग उठते भी नहीं है। तो इट्स ऑनली टफ फॉर एवरीवन, हमें जीतना है और हम लोग फाइनल्स में तो बिल्कुल आने की कोशिश में रहेंगे। जी हाँ, सही कहा मनोज जी का, हमने लाइव एग्जाम्पल पिछली बार देखा भी था। आई थिंक जिस तरह कुणाल सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सपीरियंस भरा पड़ा इनके पास, और साथ ही साथ मनोज जी की बात कर रहे हैं या फिर दिनेश लाल जी की बात कर रहे हैं, रवि किशन जी की बात कर रहे हैं, ये वो सभी लोग हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपना अपना कहना है कि जी जी सभी चीजें जरूरी है, इसलिए कार्यक्रम को थोड़ा सा लेट रखा गया ताकि जिन किसी के भी घर में पूजा वगैरह चल रही है वो समाप्त करके यहाँ पर पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाला, वरना हम लोगों को इतना मौका कहाँ मिल पाता है कि आप इससे बढ़िया से सामने दिख जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है स्क्रीन की, वो है शुभी शर्मा, प्लीज मंच पर आ जाए। एंड एक और जो अरे विनिंग वाला पोज दो यार, विनिंग वाला पोज दो। थैंक यू। नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही आया हूँ, वो सारे नहीं सर। और इधर भगत प्रकाश जयश्री भी हमारे बीच। पेस बहुत स्ट्रांग होगा और क्रिकेट को एक नया आयाम मिलेगा। सो आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर टेकिंग माय ड्रीम अहेड। मनोज के पीली टोपी वाले ए खाली खाली सुभाष भाई आने वाला है। ओके थैंक यू सो मच ऑल द प्लेयर्स ऑफ मनोस्ती वाले में। जिस टीम में जाएंगे मैं उसी टीम की ब्रांड नंबर से जो बनना चाहूंगी, अन्यथा मैं किसी टीम की। प्लीज मंच पर आ जाए।
इसलिए मैंने शब्द अफवाहें का इस्तेमाल कर दिया, हो सकता है ये अफवाह या फिर सच्चाई भी हो सकती है। मधु शर्मा जी भी ब्रांड एम्बेसडर है, आई थिंक वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैं चाहूंगा कैप्टन विक्रांत जी आप मिडल में आ जाइए, एक तरफ असगर जी आ जाइए, कुछ खिलाड़ी इस तरफ भी आ जाइए। अब एक खिलाड़ी कहूँ या एक्टर समझ में नहीं आ रहा, अभय जी भी यहाँ पर, और अब हम टीम जर्सी यहाँ पर अनवील करेंगे। तो ये है टीम जर्सी रवि किशन 11 की, जो मोना मिश्रा जी के हाथों, अभय सिन्हा जी के हाथों, असगर खान जी के हाथों और विक्रांत जी के हाथों यहाँ पर अनवील हो रही है। रवि किशन 11 रवि 10 हो मैं चाहूंगा कि है कि हम कभी हारते नहीं हैं और हारना सीखा ही नहीं हमने और हारेंगे भी नहीं हम, क्योंकि तीनों टीम में से कोई टीम जीतेगी भोजपुरी इंडस्ट्री जीतेगी, वही हमारा टीम है। ये नंबर बताता है, ये हो गया क्या कि हम जीते या हारे हम नंबर वन पे रहेंगे। और दूसरी बात ये कि जो भी टीम खेलने के लिए आएगी तो वो ये जर्सी के कलर से ही समझ जाए कि इनसे भिड़ना कितना खतरा है। पहले से ही लाल कलर है तो खतरे की निशानी है, अगर आप जीतना चाहते हैं प्रकाश जी तो इस कलर से बच के रहें। प्रकाश जी मैं दिनेश लेवल की तरफ से आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अब तक तीनों टीम में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया आपका चैलेंज, लेकिन चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं कहना चाहूंगा प्रकाश जी कि मैं करण जी को इसीलिए लिया ताकि सामने से कोई बोला आए तो वो एक्सेप्ट कर सके। अच्छा ये कैसे हो गया, मैंने सभी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनसे बात की और अमरपाली जी से बगैर बात किए जब जा रहा था तो उन्होंने मुझे याद दिलाया अरमान जी आज 11 अक्टूबर है, आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, तो आप मुझे कैसे भूल सकते जी, इट्स योर टर्न। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बस इसलिए माइक लिया, ये लोग सब ना क्रिकेटर्स के साथ साथ एक्टर्स भी हैं तो ना जैसे यहाँ से उतरे और प्रकाश जी कैसे क्या चल रहा है, बहुत स्पोर्टिंग लोग हैं सर, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बाद में जाके साथ में बाहर नाश्ता करेंगे।